जनाब स्पीकर, मैं अब अपने हलका की आवाम का पूरा पूरा हक लेकर जाऊंगी। जनाब स्पीकर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस तरह आपने बाकियों को टाइम दिया है, तो काइंडली मुझे भी आप 15 मिनट का टाइम देंगे ताकि मैं अपने हलका के इश्यूज पे बात कर सकूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन ग्राम, पीटीआई की एमपी साइमा कंवल ने ऐवान हिला कर रख दिया। एमपीए साइमा कंवल की बातों पर स्पीकर असेंबली आग बगोला हो गए। आए ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद तफसील से बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इयाका नाबुदु व इयाका नस्तईन। जनाब स्पीकर, मैं अपने हलका पीपी 260 की मुंतखब एमपीए हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से माँ बाप की दुआओं और अपने लीडर इमरान खान के एतमाद और मुझे बख्शे हुए एजाज़ के, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मुझे उन्होंने टिकट देके जो एजाज़ बख्शा, जो इज़्ज़त बख्शी, मैं उस पर उनकी मशकूर हूँ। और अपने हलका की आवाम जिन्होंने इमरान खान पर एतमाद करते हुए मुझे भारी मैंडेट के साथ जितवाया, मैं अपने हलका की आवाम की भी बहुत मशकूर हूँ। जनाब स्पीकर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जिस तरह आपने बाकियों को टाइम दिया है, तो काइंडली मुझे भी आप 15 मिनट का टाइम देंगे ताकि मैं अपने हलका के इश्यूज़ पे बात कर सकूं। मुझे यहाँ पर किसी की खुशामद का सफ़ा पढ़कर अपनी स्पेशल सीट नहीं लेनी है, मुझे अहम इश्यूज़ पर बात करना है। मैं अपने रब से अहद करके आई हूँ, जनाब स्पीकर, मैं अपने रब से अहद करके आई हूँ कि जहाँ तक इंसानी कोशिश काम कर सकती है, मैं अपने हलका के आवाम के मसाइल के हल तक इंशाल्लाह लड़ूंगी। और जनाब स्पीकर, मेरा हलका तो वैसे ही मसाइल का मसाइल स्थान है, मगर मैं आज कुछ अहम इश्यूज पर बात करना चाहती हूँ। जनाब स्पीकर, ईमान के बाद सबसे अहम चीज़ सेहत है, मगर बदकिस्मती से सेहत के फंड्स ना होने के बराबर होते हैं। और फिर लाहौर से होते हुए मेरे हलका तक पहुँचते हुए अनजानी सी यकबस्ता ठंड का शिकार होकर सुकड़ जाते हैं, या तो मेट्रो बसों की नज़र हो जाते हैं या फिर सैकड़ों अरब की ऑरेंज ट्रेन। कहाँ वो खान साहब की इंसानियत से मोहब्बत का शाहकार सेहत कार्ड, और कहाँ तख्ते लाहौर के लूले लंगड़े प्रोजेक्ट्स जो मेरे वसेब के बुनियादी हकूक भी खा जाते हैं। जनाब स्पीकर, मैं अब अपने हलका की आवाम का पूरा पूरा हक लेकर जाऊंगी। जनाब स्पीकर, मेरी पहली गुजारिश है कि मेरे हलका पीपी 260 के शेख जैद अस्पताल के ट्रामा सेंटर की तामीर के लिए फंड्स की तरजीही बुनियादों पर फरहमी यकीनी बनाई जाए, इसके साथ ताकि वहां के आबादी की सेहत के मसाइल भी हल हों। ऐसा नहीं कि उन्हें 60 किलोमीटर फासला तय करके रहीमयार खान जाना पड़े और खुदा ना करे कोई एक्सपायर हो जाए। जनाब स्पीकर, बदकिस्मती से हलका के बेतहाशा स्कूल्स ऐसे हैं जो 30-40 सालों से अपग्रेड नहीं हुए या करवाए ही नहीं गए, और मिडल हाई नहीं हुए। फिर टेक्निकल फॉल्ट, ये टेक्निकल मिस्टेक ये कर दी गई कि जहां हाई स्कूल है ही नहीं, वहां अवामी प्रेशर की वजह से कॉलेज बना दिया गया है। जनाब स्पीकर, मगर कॉलेज में बच्चे नहीं हैं, बच्चे कहां से आए? जब हाई स्कूल ही नहीं है तो कॉलेज में बच्चे कहां से आएंगे? तो ब्राहे मेहरबानी, मेरे 20 मिडल स्कूलों को इस बजट में हाई का दर्जा दे दिया जाए और कम से कम 30 प्राइमरी स्कूलों को मिडल का दर्जा दिया जाए। फिर जो स्कूल मौजूद हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हाली का शिकार है। स्कूलों और कॉलेज में स्टाफ और सहूलियात का बेहद फुकदान है। जनाब स्पीकर, खास शफकत होगी अगर इस बजट में स्कूलों के और ये तालीमी मसाइल को भी हल करवाया जाए। जनाब स्पीकर, मेरे हलका में शान शौकत से भरपूर दरियाए सिंध गुजरता है, जिसके इर्द गिर्द वादी सिंध की अजीब तहजीबों ने तरक्की पाई है। कैसे मुमकिन है कि इसके इर्द गिर्द का पानी खारा हो? जनाब स्पीकर, मगर कुछ खास लोगों की शुगर मिलों को तरक्की देने के लिए खतरनाक पेस्टिसाइड्स और खादों का इस्तेमाल होगा, तो फिर जमीन कड़वाहट तो देगी ना। सेवरेज लाइनें नहीं है, सेवरेज का पानी जमीन के अंदर होगा तो फिर पानी तो गंदा होगा। घर घर में हेपेटाइटिस और मुख्तलिफ किस्म की मोहलिक बीमारियां मुफ्त मशवरे लेने के लिए आ जाती हैं। दिल और गुर्दों के बीमार बगैर अस्पतालों के एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाते हैं, क्योंकि मेट्रो और ऑरेंज ट्रेनें तो जिगर का इलाज करने से रही। जनाब स्पीकर, मेरे हलका में साबका दौर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए जो कि करप्शन की नजर हो गए। मुतअद्दिद फिल्टर प्लांट्स जो हैं एक दिन भी नहीं चल सके। अब ये हालत है कि मशीनरी और बिजली के मीटर तक चोरी हो चुके हैं। गुजारिश है कि इस मामले में खास तवज्जो फरमाई जाए, क्योंकि जो पानी खराब हो चुका है उसके साथ मेरे हलका की आवाम की सेहत बहुत मुतासिर हुई है। जनाब स्पीकर, सुना है वतन में ज़रात रीढ़ की हड्डी है, मुल्क की 70% आबादी
ज़राअत से मुंसलिक है मगर किसान के मसाइल को कोई नहीं सुनता, सुनते हैं तो सिर्फ नाम निहाद कागजी कार्रवाई तक। पीडीएम के इम्पोर्टेड दौरे हुकूमत में किसानों का जो हशर हुआ अगले 10 साल तक मुल्की मईशत पर असरअंदाज रहेगा। किसान खुशहाल नहीं है। मेरा हल्का पीपी 260 दरिया के बीच में हल्का होने के बावजूद नहरी पानी का इंतजाम नहीं है। दरियाओं के दरिया लगता है सिर्फ सिंध के वडेरों को पालने के लिए। नाजरीन इकराम, ये गुफ्तगू तो आपने सुन ही ली। नाजरीन, ये साइमा कंवल जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक वर्कर थी, आम वर्कर की तरह ये भी एक वर्कर थी। हान साहब ने इनको टिकट दिया एमपीए का, तो ये जीत कर आज असेंबली में पहुंची हैं और देखें किस तरह से जो है ना, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वर्कर्स हैं ना वो पढ़े लिखे हैं, अच्छे घराने से उनका ताल्लुक है। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाहिद ऐसी जमात है जिसने हर वर्कर को इज़्ज़त दी, छोटे से छोटा वर्कर बड़े से बड़े वर्कर को इज़्ज़त दी, एक मुकाम दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो हैं वो आपस में एक फैमिली की तरह रहते हैं। नाजरीन नाजरीन, ये गुफ्तगू तो आपने सुनी। अब मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।